हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे आप ही के एक फ़ायदे की वीडियो, जो मैकेनिकल वीडियो है, जो मैं हमेशा पब्लिक फ़ायदे की ही बात करता हूँ। इस वीडियो में आपको क्या बताऊँगा, जो बैक साइड से गाड़ी की स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग यानी सस्पेंशन, उसमें आपको कई मैकेनिक क्या होते हैं, जैसे फ्रॉड मैकेनिक, जो फ्रॉड मैकेनिक होते हैं वो क्या करते हैं, आपका सारी चीज़ें चेंज कर देते हैं और आप फिर आपको बोलते हैं कि लीजिए गाड़ी ठीक हो चुकी है। जबकि अगर आपकी गाड़ी में एक चीज़ चेंज हो जाए तो भी आपकी गाड़ी परफेक्ट हो जाती है। और इस चीज़ से मैं बता देता हूँ क्या क्या मिस्टेक आती है, तो मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपकी गाड़ी कहीं भी रोड पर, अगर रोड में हल्का सा ऊंचा नीचा है और आपकी गाड़ी जंप लेती है ना बार बार पीछे से, तो भी यही चीज़ें करवानी है। और अगर आपकी गाड़ी में पीछे से, जैसे मान लें कोई जंप अपन तेज़ी में कूदा दे और गट गट यानी तेज़ आवाज़ आती है ना कोई भी लोहे की चीज़ की, तो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए मैं चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ आपको क्या करवाना है, और आप खुद भी कर सकते हैं, काफ़ी इजी है, कोई हार्डवर्क नहीं है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं कैमरा बैक कर लेता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, देखो यह है, ये इसकी स्प्रिंग है, ये देखिए है ना, स्प्रिंग इसकी ठीक ठाक है। अगर मान लो इसमें टेम्पर डाउन हो जाए तो ये नहीं डालनी है, वरना नहीं डालनी है। और ये इसकी कॉइल पैड है, ये देखो ये कॉइल पैड कितनी पतली है, और ये नई देखो कितनी मोटी है। हाँ, इससे भी एक मोटी आती है और मोटी, जिससे अगर आप ज़्यादा मान लो जैसे आप अपनी गाड़ी में ज़्यादा वेट चलता है, आपकी गाड़ी में जैसे आपकी फैमिली बड़ी है और आपके पास गाड़ी छोटी है, तो आप ये और मोटी भी आती है वो डलवा सकते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये देखिए ये यूजुअली इसमें लगती है, ये इसमें बैठ गई जाकर, ये बस इसमें, और इसके ऊपर स्प्रिंग लग जाएगी और कोई हार्डवर्क नहीं है। यानी कि ये देखिए ये अभी स्प्रिंग से डट जाएगी, रुक जाएगी। तो अगर आपकी गाड़ी में ऐसी कोई भी मिस्टेक हो, जिससे गाड़ी पीछे से उचकती हो या ज़्यादा जंप करती हो, या आपकी स्प्रिंग जैसे कोई जंप कुदा देने पे, या कोई यानी गहरे गड्ढे में डालने के बाद में एकदम निकालते हैं तब आवाज़ करती है, तो क्या होता है दोस्तों, ये स्प्रिंग क्या लूज हो जाती है धीरे धीरे इन दोनों के बीच में। तो जैसे अपन कोई जंप कुदाते हैं तो ये नीचे लोहा रहता है, ये लोहे में यूँ आवाज़ करती है उचक कर। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसको फिट करने का तरीका भी देखिए, एक मिनट मैं बता देता हूँ आपको, बिल्कुल ईजी है, आप खुद भी डाल सकते हैं अपने घर पर ही ये कॉइल पैड। आपको यहाँ पर जी एक लगाना है और इसको फ्री रखना है, और इसमें एक कॉइल पैड डाली, कैमरा पकड़ा, ये कॉइल पैड डालनी है आपको, और ये स्प्रिंग लेनी है, इसको सिर्फ और सिर्फ ये देखिए ये इसमें बिठाया, इसमें बिठाया, और कोई भी एक बंदा बुला लीजिए, कोई भी जिस मान लिया आपके पास बंदा हुआ थोड़ा इधर आप एक बेटा देखिए दोस्तों, जैसे कि इस पर पैर रखवाना है और यूँ एक बंदे को इस पर चढ़ा देना है बस, और ये यहाँ से यूँ उठाकर और यूँ बिठा देना है बस, छोड़ देना। ये हो गई है फिट, सिर्फ आपको करना क्या है, ये शोकर का जो एक बोल्ट होता है ना यहाँ से, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये शोकर का एक बोल्ट यहाँ से खोल लेना है, शोकर को फ्री कर देना है बस। और अगर आपका शोकर के यहाँ से लीक हो रहा है, शोकर लीक है, शोकर ख़राब है ना, तो आपको एक नीचे का बोर्ड खोलना है और एक ऊपर का बोर्ड खोलना है, शोकर हटा देना है और आपको शोकर भी नया डाल देना है। बाकी अगर आपने ये कोयल पैड चेंज कर दी तो अब आपकी गाड़ी पीछे से काफ़ी ऊंची भी हो जाएगी और आपको किसी मैकेनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लेकिन मैकेनिक क्या करते हैं, जब आप मैकेनिक के जाते हैं तो ये कोयल पैड नहीं डालते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्प्रिंग भी डाल देते हैं, इनकी भूसे भी डाल देते हैं, इसके आगे की भूस भी डाल देते हैं, और ये शोकर की भूसे भी डाल देते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें ठीक है। देखो इस गाड़ी में ये बहुत कम ख़राब होती हैं, बहुत ही रेयरली ख़राब होती हैं ये, लेकिन मैकेनिक क्या करता है सारी चीज़ें डाल देता है ताकि उसकी मजदूरी ज़्यादा पकेगी और आपको उसमें ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा, जबकि ये सिर्फ आपको 180 रुपये का ये डालना है और आपकी गाड़ी पीछे से बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, ना ही कोई आवाज़ करेगी। ये देखिए जो स्प्रिंग है ना, जैसे अपन जंप कूदाते हैं तो ये स्लोए पड़ कर आवाज़ करती है, एकदम फट देने से ऊपर गिर के नीचे पड़ती है ना, उससे आवाज़ आती। तो ये सब क्या मैकेनिकों का यानी लूटने का तरीका है, जो मैं उसी से बचने के लिए आपको वीडियो डालता हूँ। आप आराम से आप घर पर भी डाल सकते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत भाई के मैकेनिकल आप थोड़ा सीखना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, आप करने की लगन लगते हैं, तो आप ये ऐसी कोयल पैड ख़रीदिए, ये देखिए बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और ऐसी ख़रीदिए, और आप जैसे मैंने तरीका बताया उसी तरीके से खोलना है, यानी खोलने का तो मैंने बताया नहीं, पर कुछ करने का यानी खोलना भी काफ़ी ईजी है, सिर्फ ये बोल्ट खुलेगा, टायर खोलने के बाद में ये बोल्ट खोलना है और इस पर पैर रख के ज़ोर से दबाना है, ये नीचे दबेगा, एक बंदे से दबाना और स्प्रिंग को हटा लेना और इसमें ये लगा देना है और वापस स्प्रिंग को यूँ की यूँ लगा देनी है, और कोई इसमें कॉस्टली नहीं है, और फिर ये शोकर लगा देना और टायर लगा के आप चला सकते हो गाड़ी को, और आपकी गाड़ी परफेक्ट हो जाएगी और पीछे से काफ़ी ऊँची हाइट आ जाएगी गाड़ी की।
पीछे से हल्का सा ऊंचा आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगी गाड़ी। और आप चाहे इसमें फिर लोड में, जैसे मान लें आप तीन सवारी की गाड़ी, अगर इसमें चार भी बिठा लोगे ना तो भी आपको कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। तो ये नॉलेज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों मैं ऐसी वीडियो हमेशा डालता रहा हूं, और मेरी आप पिछली वीडियो भी चेक कर सकते हैं जो मैंने हमेशा पब्लिक प्रॉफिट के डाला हूं। मैं फ्रॉड मैकेनिक से बचने के लिए डालता हूं ये वीडियो, ताकि पब्लिक को फालतू पैसा ना लगे कहीं भी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको इस पर ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी जो आपके कभी ना कभी काम ज़रूर आएंगी। और दोस्तों अगर आप आधी रात में भी कहीं अटक जाते हो ना, तो आप मुझे कमेंट करें और मेरे नंबर ले लें, मैं आपकी आधी रात में भी हेल्प करूँगा। जहाँ तक मैं ट्राई करूँगा कि आपसे फ़ोन पर ही आपकी गाड़ी ठीक करा दूँ। जैसे कभी भी रास्ते में बंद हो जाए गाड़ी, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो आप मुझे कॉल करके एडवाइस ले सकते हैं। तो मैं पब्लिक के प्रॉफिट के लिए हमेशा तैयार हूँ, चाहे रात हो चाहे दिन। और आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि इसमें आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है इस चैनल से। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं आगे बेहतरीन वीडियो के साथ जो आप ही के फ़ायदे की होगी। थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके फ़ायदे की आने वाली है।